नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग 2020 का पूछा गया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह इस बुक से यूथ कंपटीशन की बुक है और इस बुक से प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं वन बाय वन करके। तो सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और पर डे एक क्वेश्चन पेपर आपको मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन वन से। क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पर, गायों और भैंसों में दुग्ध ज्वर रोग का होने का कारण इनमें से आपको बताना है। तो फर्स्ट का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम की कमी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध ज्वर। मिल्क फीवर एक मेटाबॉलिक बीमारी है जो गाय भैंस बच्चा देने से कुछ समय पहले या बच्चा देने के कुछ दिनों बाद में यह होता है और इसमें पशु के शरीर में कैल्शियम की भारी कमी हो जाती है, मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती हैं, शरीर में ब्लड का संचरण कम व धीमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड है, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए फटाफट। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारापुर। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है जो अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना की बात करें तो 1969 में स्थापित और 1400 मेगावाट की कुल क्षमता वाला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है जो मुंबई से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, एक गज एक मीटर का 91% है, एक मीटर एक गज का कितने परसेंट है? तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 109.9%। एक गज एक मीटर का 91%, तो 91 सेंटीमीटर, तो एक मीटर एक गज का परसेंट निकालेंगे तो एक मीटर बटे 91 सेंटीमीटर इंटू 100, तो 100 अपॉन 91 इंटू 100, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 109.9% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, गिनी गुणांक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जुड़ा है? तो गिनी गुणांक आपको बताना है अर्थशास्त्र में किस माप से जुड़ा है, तो यहाँ पे 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आय असमानता से जुड़ा है। गिनी गुणांक आय असमानता के माप की सबसे प्रचलित विधि है और इसे इटालियन सांख्यिकीविद कोरेडो गिनी में विकसित किया गया। जीनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होगा तथा न्यूनतम मूल्य 0 के बराबर होगा। तो गिनी गुणांक में 0 का मतलब पूरी तरह समानता जबकि 1 का मतलब पूरी तरह असमानता होता है, तो ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तराखंड हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती है? तो 6 का यहां पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी जिला है और इसकी सीमा उत्तराखंड हरियाणा हिमाचल से लगती है। सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है और इसकी सीमा 4 राज्यों में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार से लगती है। और मेरठ की बात करें तो इसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। मुजफ्फरनगर इसकी सीमा उत्तराखंड से लगती है और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 6 है आपका, 6 क्वेश्चन हो चुका है, 7 क्वेश्चन की बात करेंगे। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण को क्या नाम दिया गया है? तो 7 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो 7 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा इसका सही जवाब बनेगा। यूनाइटेड किंगडम के कोरोना वायरस का नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन के अल्फा नाम दिया है और अल्फा वेरियंट B.1.1.7, बीटा साउथ अफ्रीका और गामा ब्राज़ील और डेल्टा भारत, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है
8 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारक इनमें से नहीं है, आपको यहाँ पर बताना है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरुस्थलीकरण, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। वायु, जल, वनोन्मूलन तीनों मृदा क्षरण के कारक हैं। मरुस्थलीकरण विविध जलवायु और मानवीय गतिविधियों द्वारा होने वाला मृदा क्षरण है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अधिसमय 1994 में सहमति बनी है। UNCCD पर 1994 में सहमति बनी है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसको चुना गया है, तो 9 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, चित्रकूट इसका सही जवाब बनेगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले चित्रकूट लकड़ी का खिलौना, और सहारनपुर की बात करें तो लकड़ी पर नक्काशी, वाराणसी की बात करें तो बनारसी रेशम साड़ी, और बांदा में सजर पत्थर शिल्प, और बरेली और उन्नाव की बात करें तो जरी जरदोजी, और सीतापुर दरी के लिए, और श्रावस्ती जनजातीय शिल्प, और शामली लौह कला, और बस्ती और रायबरेली में कास्ट कला, और मुरादाबाद में धातु शिल्प। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 10 है, चीन के पहले मार्स मंगल रोवर का क्या नाम है, तो 10 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जहाँ रोंग, ऑप्शन डी सही आंसर बनेगा। चीन के पहले मंगल रोवर का नाम ज्यूरोंग है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पर 12 की बात करेंगे दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, तो एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ संस्थापक दिए गए हैं, यहाँ पर आपको इनमें से आपको कौन सा करेक्ट मैच नहीं है आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए, सही आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिए, इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रुहेलखंड सादत खां, इसका सही आंसर बनेगा। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि यहाँ पर मैच नहीं दिया गया है, और रुहेलखंड की बात करें इसके संस्थापक अली मोहम्मद खां और बीर दाऊद, इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि यहाँ पर गलत दिया गया है। बाकी सभी ऑप्शंस सही मिलान दिया गया है, अवध का और हैदराबाद का चिन किलिच खां, और बंगाल का मुर्शिद कुली खां, ये सभी जो ऑप्शंस हैं ये सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर है 13 का, वर्ष 2020-21 के दौरान भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कृषि निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि दर की है, तो यहाँ पर 13 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब बनेगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन नंबर है, जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फड़ीधर गुजरात में। इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क गुजरात के मेहसाणा जिले में फड़ीधर में शुरू किया है, और इसका उद्देश्य दोनों देशों के कृषि और उद्योग के बीच तालमेल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर प्रारंभ किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, के एन नटराजन, इंडियन सोशल रिफॉर्मर 1890 में के एन नटराजन ने आरंभ किया था, और इंडियन सोशल रिफॉर्मर के एन नटराजन द्वारा बॉम्बे में संपादित और प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, दो अंकों का योग 3 है तथा उनके वर्ग का योग 12 है, तो उनका गुणनफल बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, -3/2 के बराबर होगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर जो है -3/2 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 17 है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित है, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायबरेली में।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री है। यह रेलवे का तीसरा रेल कोच कारखाना है। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई में और रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला पंजाब में है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कानपुर देहात बेधुना, ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं है। और यहाँ पर कानपुर देहात की बात करें तो इसका मुख्यालय अकबरपुर माती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, नोवाक जोकोविच और स्टेफेनोस सिटसिपास फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का फाइनल खेलने वाले दोनों खिलाड़ी क्रमशः किन देशों से हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्बिया और ग्रीस। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2021 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सा कीट नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मकड़ी। सही जवाब बनेगा, मकड़ी कीट नहीं है। मकड़ी में कुल 8 टांगे पाई जाती हैं, तितली मच्छर और तिलचट्टा ये सभी जो हैं कीट हैं, कीट के अंतर्गत आते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 21 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान का समा संशोधन संबंधित है, तो किससे संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता से। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और 100वां जो संविधान संशोधन अधिनियम बांग्लादेश से भूमि सीमा समझौता, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम GST से संबंधित है और 102वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, उत्तर प्रदेश में कृषि के महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो कहाँ स्थित है। तो 22 का आप लोग आंसर दीजिए, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषि के महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो मऊ में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित की गई है। तो सुरेश रैना की आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी के नाम से प्रकाशित की गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट जवाब बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नायलॉन। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या इनमें से आपको बतानी है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 0 है। पहले लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए 2 सीटें आरक्षित थीं, अनुच्छेद 331। वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसे खत्म कर दिया गया है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर, संतरे का सर्वाधिक उत्पादन सहारनपुर में स्थित है, सहारनपुर में होता है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 है, रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो रॉकेट आपको बताना है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, यहाँ पर ये मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग से संबंधित है, दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 7/13। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में उल्लिखित महाजनपद काल में अंतर्वर्ती में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी यहाँ पर सही जवाब बनेगा, प्रद्योत। अवंती प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। यहाँ का शासक प्रद्योत था जो महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन था। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के स्तंभों में शामिल नहीं है इनमें से, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रोजगार सृजन
नीति आयोग के स्तंभों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 32 है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी, मरक्कार लॉयन ऑफ द अरेबियन सी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर बनेगा। उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक क्षारीय मृदा का क्षेत्रफल है। क्षारीय मृदा में कोशिकाकर्षण की क्रिया द्वारा सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। क्षारीय मृदा के उपचार के लिए जिप्सम प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 34 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सेकेंड दी गई है, आपको यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा, ए का सेकेंड हो जाएगा, बी का थर्ड, सी का फोर और डी का फर्स्ट। सुरेश तेंदुलकर समिति की बात करें, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, सुरेश तेंदुलकर समिति का जो मिलान हो जाएगा गरीबी रेखा निर्धारण 2005 से हो जाएगा, और एनसी सक्सेना का जो मिलान हो जाएगा यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल गणना, और सी अमर्त सेन का जो मिलान हो जाएगा गरीबी का क्षमता दृष्टिकोण, और एस आर हासिम का हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित में से एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड का आकार कौन सा होगा? तो राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा उल्टा, परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है। इस मामले में प्राथमिक उत्पादक ऐसे पौधे हैं जिनकी संख्या सबसे कम है, और उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी हैं, द्वितीयक उपभोक्ता परजीवी होते हैं। ट्रॉफिक चरण के शीर्ष पर मौजूद व्यक्तियों की अधिकतम संख्या जो हाइपर पैरासाइट है। नेक्स्ट 38, निम्नलिखित में से कौन सा टोल फ्री नंबर किसान कॉल सेंटर्स के लिए आवंटित है? तो यहाँ पर 38 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की यदि हम बात करें दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1800, 180, 1551। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों की साझेदारी में है? तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग दीजिए, तो राइट आंसर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पुलिकट झील इसका सही जवाब बनेगा। पुलिकट झील दो राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर फैला हुआ, इसका ज़्यादा हिस्सा आंध्र प्रदेश के पास लगभग 96% तक है, और यह एक लैगून झील है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत का भाग नहीं है, इनमें से आपको बताना है? तो कौन सा ऑप्शन है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसानों की सेवा समिति। नेक्स्ट 42 है, HANPV जैविक नियंत्रण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चना की फली छेदक के नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित इनमें से नहीं है? एक तरफ संस्थान का नाम है, दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं, तो 43 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों NBAIR कोयम्बटूर, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। NBAIR बंगलुरु में है ना कि कोयम्बटूर में, इसलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर NCIPM न्यू दिल्ली में है, NBAIR बंगलुरु में है, और DPPQS फरीदाबाद में है, और NIPHM हैदराबाद में है। नेक्स्ट 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं दिया गया है? बीमारी का नाम एक तरफ संबंधित फसल दी गई है, तो 44 का यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चारकोल सरण गन्ना, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चारकोल रॉट सोयाबीन एंड सोरघम से संबंधित है, एंड ब्लैक रस्ट की बात करें तो बार्ले, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट पेंडी, और स्टरलिटी पिजन पी से संबंधित है। नेक्स्ट
45 है। संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य साधन है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जन संबोधन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, न्यूट्रीपोनिक्स क्या है? तो व्हाट इज न्यूट्रीपोनिक्स? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पोषक तत्वों में खेती। तो पोषक तत्वों में खेती करना न्यूट्रीपोनिक्स कहलाता है। हर्बिगेशन क्या होता है? सिंचाई जल के साथ खरपतवार नाशी का दिया जाना हर्बिगेशन कहलाता है। फर्टिगेशन क्या होता है? सिंचाई जल के साथ उर्वरक का दिया जाना 47 क्वेश्चन नंबर है, आम की प्रजाति सिंधु की संकर किस्म है, किस संकर है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, रत्ना इंटू अल्फांसो, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। और मल्लिका की बात करें तो नीलम इंटू दशहरी, रत्ना नीलम इंटू अल्फांसो, अम्रपाली की बात करें तो दशहरी इंटू नीलम, अर्का अनमोल, अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद। नेक्स्ट 48 है यहाँ पर क्वेश्चन, कथन नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। तो यहाँ पर ए दिया गया है, क्राइजीन स्थानांतरित कर कीट प्रतिरोधी कपास की ट्रांसजेनिक प्रजाति विकसित की गई है। कारण आर है, क्राइजीन जीवाणु से प्राप्त किया गया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ए और आर सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। जीवाणुओं से प्राप्त कराई जीन को स्थानांतरित कर कीट प्रतिरोधी कपास की ट्रांसजेनिक प्रजाति। 49 क्वेश्चन है, कौन सी एक आम की डबल क्रॉस संकर किस्म है? इनमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्का सुप्रभात H14। अर्का सुप्रभात H14 आम की डबल क्रॉस किस्म है जो आम्रपाली, दशहरी इंटू नीलम इंटू अर्का अनमोल, अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद के क्रॉस से विकसित की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, मृदा की लंबवत काट को क्या कहते हैं? वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज। तो 50 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, सोयल प्रोफाइल कहते हैं, मृदा रूपरेखा कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोयल इज कॉल्ड एज सोयल प्रोफाइल। पेरेंट मटेरियल ऑफ सोयल इज कॉल्ड एज रिगोलिथ। और सोयल होरिजन, इस सोयल होरिजन इज ए लेयर पैरेलल टू द सोयल सरफेस हूज फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम द लेयर अबव एंड बीनीथ। नेक्स्ट 51 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, धान की फसल में उर्वरकों का प्रयोग किसमें निर्देशित किया जाना है चाहिए, ऑक्सीकृत क्षेत्र, अपचयी क्षेत्र और सतह पर। तो 51 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए, तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल टू ऑप्शन यहाँ पर सही है, अपचयी क्षेत्र। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको सही आंसर का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी बनेगा, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, बी का सी का फोर और डी का थर्ड। आंवला फल की जो किस्म है हाथी झूल है, केला की किस्म हरी छाल है, सपोटा की खीरा और बेर की बंगलौर। नेक्स्ट 53 यहाँ पर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर एक तरफ सूची फर्स्ट है जिसमें शब्द और सिद्धांत है, सूची सेकंड में वैज्ञानिक का नाम दिया गया है। तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिए, इसका सही आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ए का फर्स्ट, बी का टू, सी का थर्ड और डी का फोर यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। शब्द और सिद्धांत की बात करें तो अनुवांशिकी W. वेटसन और थियरी ऑफ इनहेरिटेंस जी मेंडल ने दिया है और म्यूटेशन ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया है, क्रोमोसोम जीन मॉर्गन ने दिया है। नेक्स्ट है 54 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फर्स्ट में है मेज C4 प्लांट, मक्का C4 पौधा है, क्रंच एनाटॉमी C4 पौधे में पाई जाती है और C3 में प्रकाश शोषण नहीं होता है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला और दूसरा ऑप्शन सही जवाब बनेगा। ज्वार बाजरा मक्का C4 पौधा
और सी4 पौधों में क्रंच एनाटॉमी पाई जाती है, सी4 पौधों में प्रकाश शोषण होता है। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन नंबर है, एक क्षेत्र में 24 घंटे में जितनी गहराई सेंटीमीटर का जल बाहर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल निकास गुणांक कहते हैं। एक क्षेत्र से 24 घंटे में जितने गहराई सेंटीमीटर का जल बाहर निकाला जाता है उसे जल निकास गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट 56 है, नरबंधता का उपयोग अनेक फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है क्योंकि क्योंकि यह अनुवांशिकी विपुंसन का साधन है। नेक्स्ट 57 है, बेबी कॉर्न की तुड़ाई किस अवस्था पर की जाती है? तो यहाँ पर 57 का आंसर दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्क निकलने के 2 से 3 दिन बाद। नेक्स्ट 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम बथुआ रबी मौसम का खरपतवार है और बाकी सभी खरीफ मौसम के खरपतवार हैं। नेक्स्ट 59, फार्म की योजना और इष्टतम संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है एकाधिकार प्रतियोगिता, योग्य प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, एकाधिकार। तो आरोही क्रम में विक्रेताओं की संख्या के अनुसार बाजार की सही व्यवस्था क्या है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, इसका सही क्रम बनेगा। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन, सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लेस देन 400 हेक्टेयर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 61 है, फल मक्खी, यहाँ पर आपको फिल करना है, फल के त्वचा के नीचे अंडे देती है, तो फ्रूट फ्लाई लेज एग अंडर द स्किन ऑफ फ्रूट्स। तो 61 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंपकिन, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ फर्स्ट सूची है, संगठन दिए गए हैं, सेकंड में वर्ष दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर बनेगा। एक तरफ संगठन दिया गया है, स्थापना वर्ष है, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय खाद्य निगम की 1965 में, अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन 1947, कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन की 1963 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, निम्न चूनायुक्त पदार्थों में किसका उदासीन मान सबसे अधिकतम होता है? तो 63 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। चूनायुक्त पदार्थों में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड तथा दूसरे स्थान पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उदासीन मान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट 64 है, मृदा वर्गीकरण के अनुसार मध्यम काली मृदा की किस ऑर्डर में रखा गया है? तो यहाँ पर 64 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्टिसोल। मृदा वर्गीकरण के अनुसार मध्यम काली मृदा को वर्टिसोल ऑर्डर में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित इनमें से नहीं है? एक तरफ कीट का नाम है, दूसरी तरफ ऑर्डर दिए गए हैं। तो 65 का आप लोग आंसर दीजिए, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, घरेलू मक्खी कोलियोप्टेरा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है, घरेलू मक्खी डिप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आता है। फल मक्खी की बात करें तो डिप्टेरा, और सरसों की आरा मक्खी हाइनोप्टेरा, और ड्रैगन ओडोनेटा। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में रोग दिए गए हैं और सेकंड में उपचार दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो 66 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। गेहूँ का अनावृत कंडुआ रोग जो है बीटावैक्स से उपचार किया जाता है, मटर का चूड़िल आसिता सल्फेक्स, सब्जियों में आद्र पतन मृदा का सौरकरण और खैरा रोग जिंक सल्फेट। नेक्स्ट है एटिक किसका घटक है इनमें से? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एनएटीपी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर ATIC वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर
1999 अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट एनएटीपी इन द डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे दोस्तों, नवीनतम जलोढ़ मृदा को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं। तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खादर के नाम से जाना जाता है। नवीनतम जलोढ़ मृदा को स्थानीय रूप से खादर और पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है यहाँ पर, लीची के पौधों का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वायु परत बनाना, एयर लेयरिंग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लीची के पौधों का व्यावसायिक प्रवर्धन एयर लेयरिंग विधि से करते हैं और सपोटा में बिनियर ग्राफ्टिंग से करते हैं। कलकायन द्वारा डॉगवुड, बर्च, मेपल फाउंडेशन ये सारे पौधों में प्रवर्धन किया जाता है। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक संकर बीज उत्पादन की सरल एवं पर्यावरण हितैषी तकनीकी इनमें से है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुवांशिक नर बंधता स्टरिलिटी, जेनेटिक मेल स्टरिलिटी। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन है, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से। तो 71 के क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेना चाहिए और गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल लेना चाहिए। नेक्स्ट 72 है यहाँ पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के तय करने का आधार इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कुल उत्पादन लागत। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के तय करने का आधार कुल उत्पादन लागत है जो अपेडा द्वारा निर्धारित किया जाता है। 73 है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर फ्रूट प्रिजर्वेशन इंडस्ट्रीज, फल संरक्षण उद्योगों के लिए लाभकारी जीवाणु इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैक्टीरियम एसिटाई। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह आपको पर डे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पर डे आपको मिलता रहेगा उस चैनल के माध्यम से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में रसायन दिया गया है और सूची सेकंड में कार्य दिए गए हैं। तो 74 का यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। कैल्शियम क्लोराइड बीज दीर्घायु और 235 ट्राइफिनाइल टेट्राक्लोराइड बीज जीवन क्षमता के लिए, थायो यूरिया का कार्य बीज सुषुप्तावस्था और इंडोल एस्टिक एसिड बीज के अंकुरण के लिए। 75 है यहाँ पर, मृदा अपरदन का सर्वाधिक हानिकारक रूप इनमें से कौन सा होता है। तो 75 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलप्रपात अपरदन इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा खरपतवार नासी दलहनी फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर 76 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, MCPB इसका सही आंसर बनेगा। दलहनी फसलों में चौड़े पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने में MCPB प्रयोग में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन सी मृदा में उच्चतम जल उपयोग क्षमता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकनी मृदा क्ले सोयल। चिकनी मृदा क्ले सोयल की मृदा में उच्चतम जल उपयोग क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको फिल करना है, प्रतिपादित किया गया है कि उत्पाद श्रमिक एवं पूंजी का फलन है। तो यहाँ पर 78 का आप लोग आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, कॉब डगलस इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से। तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुगर कैन। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर भूरा फुदका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर यदि हम बात करें दोस्तों ऑप्शन बी शुगर कैन की, तो यहाँ पर कीट की बात करें तो टॉप सूट बोरर कीट लगता है, ना कि यहाँ पर भूरा फुदका, इसलिए ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन है, निम्न प्रसार योजनाओं के प्रारंभ होने के वर्ष के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ योजना का नाम है और दूसरी तरफ वर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ए का 1 और बी का 2, सी का 3 और
बी का डी का फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पर योजना का नाम है और वर्ष दिया गया है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में, निश्चित रोजगार रोजगार योजना 1993 में। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रोगिंग क्रिया की जाती है, तो रोगिंग की क्रिया की जाती है इनमें से आपको बताना है कब की जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वांछित किस्म के पौधों से अवांछित किस्म के पौधों को निकालना रोगिंग कहलाता है। नेक्स्ट 82 है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता नहीं हो सकती है इनमें से आपको बताना है। तो 82 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा, ओनली दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता नकारात्मक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है 83, गेहूं में मोलिया रोग किसके निमेटोड के कारण होता है। तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेटेरोडेरा एवेन्यू इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 84 है, चेक एवं बेसिन फ्लडिंग सिंचाई विधि की दक्षता क्या है इनमें से। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 60 से 65। चेक एवं बेसिन फ्लडिंग सिंचाई विधि की सिंचाई दक्षता की बात करें तो 60 से 65% है। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन नंबर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट एक तरफ है, मृदा अवस्था दी गई है और सेकंड में ऊर्जा के स्तर दिए गए हैं। 85 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्षेत्र क्षमता की बात करें तो क्षेत्र क्षमता का जो यहाँ पर ऑप्शन ए में जो दिया गया है इसका जो मिलान हो जाएगा 0.33 ऑप्शन सेकंड से, और PWD का जो मिलान हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फोर से 15 बार, और वाटर उपलब्ध जल ऑप्शन सी का जो मिलान होगा 0.33 से 15 बार, और ऑप्शन डी आद्रता ग्राही जल का जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन थर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो इसका राइट जवाब की यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बैंगन लाल सरण जो है यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। आलू की बात करें, आलू में पिछेती झुलसा रोग लगता है, बैंगन में फोमोपसिस ब्लाइट और टमाटर में अगेती झुलसा और भिंडी में पीत सिरा मोजैक। नेक्स्ट है गैलेरिया मेलोनेल एक आपको यहाँ पर बताना है नासी कीट है, इनमें से किसका। तो राइट आंसर यहां पर 87 का जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, मधुमक्खी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 88, क्षारीय मृदा के पीएच मान 9.0 पर हाइड्रोक्सी आयन सांद्रता है। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10^-5 की सांद्रता। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन नंबर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो लिस्ट फर्स्ट दी गई है जिसमें पौधे दिए गए हैं, लिस्ट सेकंड में प्रसार की विधि दी गई है, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का टू और डी का फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। अंगूर में प्रसारण की जो विधि है हार्डवुड कटिंग है, केला में स्वाद सकर के द्वारा, चाय में सॉफ्टवुड कटिंग है और स्ट्रॉबेरी में रनर। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। दोस्तों एक तरफ सूची फर्स्ट में फफूदी वंश दिए गए हैं और दूसरी में फलन काय दिया गया है, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग दीजिए, इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ए का फोर, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। फफूदी वंश एक तरफ है, एक तरफ ऑर्डर दिए गए हैं, फ्यूजेरियम स्पेसीज स्पोरोडियम ऑर्डर के अंतर्गत आता है, कोलेक्ट्रोटाइकम स्पेसीज एसर वुलस और स्क्लेरोटीनिया स्पेसीज एपोथीसिया और फोमा स्पेसीज पेक्निडियम ऑर्डर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अति सूक्ष्म पोषक तत्व जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉलिब्डेनम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है, यहाँ पर फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किसके निर्धारण में किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम। फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग पोटेशियम के निर्धारण में किया जाता है। नेक्स्ट है 93, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है, तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 94 है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहां पर स्थित है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 की बात करेंगे,
अनाक्षी श्वसन को क्या कहते हैं? तो अनाक्षी श्वसन को अंतः आण्विक श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट है 96, किस मृदा भाग में सबसे अधिक CEC होता है? तो आपको यहाँ पर बताना है विच वन ऑफ द सोयल कंपोनेंट हैज हाइएस्ट CEC। तो 96 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कार्बनिक पदार्थ में, ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट 96 है, किस मृदा भाग में सबसे अधिक, ये क्वेश्चन हो चुका है आपका, रिपीट हो गया है। और नेक्स्ट 97 क्वेश्चन की बात करेंगे, रंगीन जूसों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षण का प्रयोग किया जाता है इनमें से? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम बेंजोएट, इसका सही आंसर बनेगा। 98 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची के अंत में दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है जिसमें जीवन का कार्य दिया गया है, सेकंड में अनुपात दिया गया है, तो यहाँ पर आप इसका सही आंसर दीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? इनमें से एक तरफ क्रॉप है, दूसरी तरफ प्रमाणित बीज के लिए न्यूनतम अलगाव दूरी मीटर में दी गई है। तो 99 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास 50 मीटर। कपास में आइसोलेशन डिस्टेंस जो रखा जाता है 30 मीटर, और गेहूं में 3 मीटर, और टमाटर में 25, और फूलगोभी में 1000 मीटर। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तंबाकू की खेती में निम्नलिखित क्रियाएं अपनाई जाती हैं, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 100 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, पहला, टॉपिंग, उसके बाद शकर निकालना, उसके बाद में प्राइमिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही जवाब बनेगा, टॉपिंग, डिसकरिंग, प्राइमिंग और क्यूरिंग, ये जो तंबाकू की खेती में क्रियाएं अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट 101 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ बीज वर्ग दिया गया है, बीज वर्ग है, और टैग का रंग एक तरफ दिया गया है। तो आप लोगों को यहाँ पर आंसर देना है, इसका सही आंसर कौन सा सुमेलित है इनमें से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही सुमेलित है, पहला और दूसरा। प्रजनक बीज सुनहरा पीला और फाउंडेशन सीड वाइट सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ब्रीडर सीड का जो कलर ऑफ टैग होता है गोल्डन येलो, फाउंडेशन सीड का वाइट होता है, सर्टिफाइड सीड का ब्लू होता है, और TL सीड का जो नॉन कलर टैग होता है। 102 का यहाँ पर आंसर दीजिए आप लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है, अम्लीय मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता कम होती है, कारण आर है, फास्फोरस का अम्लीय मृदा से निचालन हो जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आप लोग दीजिए, राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन नंबर है, जेंथिन के ऑक्सीकरण के लिए उत्प्रेरक एंजाइम जेंथिन डिहाइड्रोजिनेज में किस तत्व में पाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट सूची में पौधे का नाम है और दूसरी सूची में फूल का रंग दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिए फटाफट, इसका सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, सही जवाब बनेगा। एडोनिस येलो, अस्टर ब्लू, लिनियम का पर्पल हो जाएगा, अस्ट्रो मीरिया मार्गारेट का रेड हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। 106 का आप लोग आंसर दीजिए, यहाँ पर राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट जवाब जो बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया सूचक फसल, तो सूचक फसल सूरजमुखी से संबंधित हो जाएगा, और साइलेज फसल बरसीम ऑप्शन फर्स्ट से, और एवेन्यू फसल का जो मिलान हो जाएगा अरहर से हो जाएगा, और वेयर फसल का आलू से यहाँ पर मिलान बनेगा। नेक्स्ट है 107, निम्नलिखित में से माहों की क्षति पहुँचाने वाली अवस्था कौन सी? इनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रौढ़ और निम्न।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, किस पदार्थ में गंधक अधिकतम मात्रा में पाया जाता है इनमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट इसका सही आंसर बनेगा। दोस्तों अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा निम्न में से सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो कि 24% सल्फर और 21% नाइट्रोजन से मिलकर बना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही के साथ मिलान नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके कीजिए आप लोग। तो यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का सेकेंड हो जाएगा। अंडा का, अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है, दूध में केसिन और मांस में मायोसिन। क्वेश्चन नंबर 110 से सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 110 का यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का, ए का सेकेंड, बी का वन, सी का फोर और डी का थर्ड इसका सही आंसर बनेगा। संपूरक, संपूरक गेहूं और डेयरी। प्रतियोगी का गेहूं और जौ, और अनपूरक गेहूं और मुर्गी पालन। संयुक्त की बात करें तो गेहूं का दाना और भूसा। नेक्स्ट, राइसिनेस एक शारीरिक विकार किस फसल से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूलगोभी इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट में अवस्था दी गई है, दूसरी में उदाहरण दिए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का फोर और डी का थर्ड सही जवाब बनेगा। यहाँ पर फ्लोटिंग एक्वाटिक वीड इकोर्निया और इमरजेंट इक्वाटिक वीड टाइफा और मार्जिनल इक्वाटिक वीड इस साइरपस और एब्सोल्यूट वीट की बात करें तो रूमेक्स इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मक्का, आलू, गेहूं, मूंग इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के तने का घसेला रोग किसके द्वारा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गन्ने के तने का ग्रेसी सूट रोग माइकोप्लाज्मा द्वारा लगता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आप लोग 115 का आंसर दीजिए, राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर, डी का फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। लौकी की बात करें तो हिंद चीन सेंटर ऑफ ओरिजिन है, भिंडी का ओरिजिन अफ्रीका है, फूलगोभी का मेडिटेरियन रीजन है, चौलाई का दक्षिण अमेरिका ओरिजिन क्षेत्र है। नेक्स्ट है, पर परागित फसलों के लिए कौन सी प्रजनन विधि उपयुक्त नहीं है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्च संकरण विधि जो है यहाँ पर सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन केंद्र स्थित है? तो नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज सिचुएटेड। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, बोल्टिंग किस फसल से संबंधित है? तो बोल्टिंग इज रिलेटेड टू, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चुकंदर इसका सही जवाब बनेगा। बोल्टिंग क्रिया चुकंदर और प्याज में की जाती है, प्याज में समय से पूर्व फूल आने पर उसे निकालने की क्रिया बोल्टिंग कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 119 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में परीक्षण के प्रकार दिए गए हैं और सेकंड में उपयोग दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ई यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ए का फोर, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर सही आंसर बनेगा। जेड टेस्ट की बात करें और जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों, इसका जो मिलान हो जाएगा लार्ज सैंपल से, ऑप्शन फोर से मिलान हो जाएगा। और काई वर्ग का जो मिलान हो जाएगा टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, और यहां पर जो सी ऑप्शन दिया गया है एफ टेस्ट का जो मिलान हो जाएगा टू टेस्ट प्रोपोर्शन एंड वेरियंस, सेकेंड से मिलान हो जाएगा। और डी की बात करें तो स्मॉल सैंपल से। नेक्स्ट,
क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। पादप प्रजनन की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। एक फर्स्ट में वर्ण दिया गया, सेकंड में मूल्यांकन है, थर्ड में विविधता का उत्पादन और फोर्थ में वितरण दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 3, 1, 2, 5, 4। पादप प्रजनन की क्रियाओं को निम्न क्रम में करते हैं, विविधता का उत्पादन सबसे पहले आता है, उसके बाद वर्ण, मूल्यांकन, गुणन और वितरण। तो दोस्तों आपने इस क्लास में इस क्वेश्चन पेपर में के 120 क्वेश्चंस को इस क्लास में आपने सॉल्व किया और इसी तरह आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको पर डे मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर रहेगा तभी आपको नेक्स्ट क्लासेस आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए और आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।